Hey guys, what's up? This is Hiren and welcome back to my channel, The Hiren Vlogs. So, पिछले कुछ दिनों से मुझे Instagram पे बहुत ज़्यादा messages आ रहे हैं and thank you for all the support. And जहाँ तक मैं book की बात करूँ, the book that I have written on cybersecurity for beginners, उसकी already 170 plus copies sold out हो चुकी हैं. So, इसलिए मैंने ये सोचा कि जो भी अब से 100th buyer होगा उस book का, let's say 200th, 300th, मतलब हर 100 की gap पे, so that buyer will get the book for free. मतलब जो 200th नंबर पे बुक खरीदेगा, 300th पे खरीदेगा, 400 एंड सो ऑन, उसको मैं बुक फ्री में दूंगा. सो एक तरीके से मेरे चैनल पे ये परमानेंट गिव अवे स्कीम हो गई. सो आफ्टर एवरी 99 बुक्स दैट आर सोल्ड, 100th बुक विल बी फ्री. तो फाइनली अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, माय ओएससीपी जर्नी. लेकिन उससे पहले लाइक बटन फटाफट दबाओ, बिकॉज इस बार का टारगेट हमने बढ़ा दिया है एंड 1.5K लाइक्स चाहिए. लेट्स सी हाउ फास्ट वी कैन डू दैट. और हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे DMs आ रहे हैं मुझे, सो मैं रिप्लाई करने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आई विल रिप्लाई, डोंट वरी. सो मेरी OSCP जर्नी के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि OSCP आखिर होता क्या है. लेट्स बिगिन विद दैट फर्स्ट, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मैंने एग्जाम क्लियर करा या नहीं करा. सो OSCP स्टैंड्स फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल. It is one of the most difficult and expensive exam at the same time. And in my opinion, it is the exam that will take you as close as possible to the real world exploits that are happening. A very important point that I would like to make here is ki ye exam beginners ke liye bilkul bhi nahi hai. It requires a lot of skill and practice and hard work. But of course, jo beginners hai, they can aim for this exam. Eventually in future, they can do this. सो इस एग्जाम में आपको 5 IP एड्रेस मिलते हैं विच यू हैव टू हैक, एंड हर IP एड्रेस पे एक पॉइंट असाइंड होता है कि अगर आपने ये वाला IP एड्रेस हैक कर लिया तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे. एंड द पासिंग क्राइटेरिया इज आउट ऑफ 100 पॉइंट्स आपको 70 पॉइंट्स अर्न करने ही करने हैं, विच मीन्स कि रफली 4 आउट ऑफ 5 मशीन्स यू हैव टू हैक. एंड इस एग्जाम में 48 आवर्स का आपको टाइम मिलता है. फर्स्ट 24 आवर्स आपको मिलते हैं टू हैक दोज 5 IP एड्रेसेस जो उन्होंने दिए हैं, एंड जो नेक्स्ट 24 आवर्स होते हैं दैट इज फॉर रिपोर्टिंग कि आपने जो हैक किया है अब उनको स्टेप वाइज बताओ कि कैसे हैक किया है. अगर हम इस एग्जाम की प्राइस की बात करें तो इट इज रियली एक्सपेंसिव. मैं एक बार आपको देख कर बताता हूँ, रुको. सो अभी जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है इट इज $999 फॉर 30 डेज ऑफ लैब, $1,199 फॉर 60 डेज ऑफ लैब, एंड $1,359 फॉर 90 डेज ऑफ लैब. सो अगर इस पैसे को हम एक मिनट के लिए साइड में कर दें तो आप सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये लैब्स क्या होती हैं. सो बेसिकली ये जो लैब्स होती हैं ये और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मशीन्स हैं जो आपको OSCP एग्जाम की फील दे देंगी. इसमें भी IP एड्रेसेस होते हैं हर लैब के, एंड यू कैन प्रैक्टिस ओवर देयर. तो जब मैंने एग्जाम दिया था तब 45 प्लस लैब्स थी, अब तो शायद और बढ़ा दी उन्होंने. एंड यू एक्सेस दीज लैब ओवर द VPN कनेक्शन. तो 30 डेज ऑफ लैब मीन्स 30 डेज के बाद आपका VPN कनेक्शन एक्सपायर हो जाएगा, एंड देन यू कांट प्रैक्टिस ऑन दीज लैब्स. 60 डेज का मतलब आप 60 डेज तक आपके पास कनेक्शन है. सो यूजुअली लोग एडवाइस करते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, देन ऑल्सो यू शुड टेक 2 months ऑफ लैब, मतलब 60 डेज आपके पास हो प्रैक्टिस करने के लिए. एंड जो ये लैब एक्सेस मिलता है आपको, इसके साथ आपको इनका कोर्स मिलता है PWK, विच इज नेसेसरी टू परचेज फॉर OSCP एग्जाम. सो बेसिकली PWK है क्या, पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद काली. तो इसके अंदर बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, बट इट इज नॉट टू बेसिक ऑल्सो. तो बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करके काफी एडवांस तक, मतलब इसके अंदर OSCP का पूरा सिलेबस है जिस बेसिस पे वो टेस्ट करेंगे, जिस बेसिस पे अपनी मशीन्स बनाएंगे. तो बेसिकली जो इनका कोर्स है PWK, इसके 2 कॉम्पोनेंट्स हैं. पहला कॉम्पोनेंट है PDF रीडिंग मटीरियल, और दूसरा कॉम्पोनेंट है वीडियोज. सो काफी नॉलेजेबल मटेरियल है, बहुत सारी ऐसी चीजें समझा रखी हैं जो उस टाइम पे मेरे को आती भी नहीं थी. सो मतलब डिटेल्स का भंडार है, बहुत चीजें वहाँ पे. और जो PDF आपको मिलता है उसके पीछे वाटरमार्क होता है ताकि आप किसी से एक्सचेंज ना करो, क्योंकि अगर आपने PDF किसी के साथ शेयर कर दिया दिस इज नॉट अलाउड बाय द OSCP, वो आपकी सर्टिफिकेशन कैंसिल कर सकते हैं. वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, इतना तगड़ा मटेरियल बना रखा उन्होंने, तो दे डोंट वॉन्ट कि आप सब उसको कहीं शेयर करो. ओके, सो अब शुरू करते हैं मेरी कहानी, माय OSCP जर्नी. तो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है, June 2019, आई वॉज इन माई 3rd ईयर ऑफ BTech कंप्यूटर साइंस, एंड OSCP वॉज अ ड्रीम फॉर मी. तो June 2019 में आई एनरोल्ड फॉर OSCP, एंड उससे पहले, मतलब जून से पहले, आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ बग हंटिंग. मतलब मैंने माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप, डच गवर्नमेंट एंड ऐसे बहुत सारी जगहों पे बग हंटिंग कर रखी थी, इसलिए वेब अटैक्स के लिए मैं कॉन्फिडेंट था. एंड
हैक द बॉक्स पे मैंने काफी प्रैक्टिस कर रखी थी। सो अब OSCP का एग्जाम देना है तो मैंने नेचुरली सोचा कि ठीक है एक बार गूगल पे सर्च करके देखते हैं। सो मैंने ऐसे रैंडमली गूगल पे सर्च किया OSCP ब्लॉग्स कि देखने के लिए लोगों ने कुछ मटेरियल शेयर किया कि नहीं। सो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स शेयर किए थे एंड जैसे जैसे मैं ब्लॉग्स पढ़ता जा रहा था हर एक जगह पे अलग अलग डिफरेंट लिंक्स थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे पास बहुत सारे लिंक्स हो गए थे एंड मुझे पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा लिंक पहले पढ़ूं, क्योंकि वो उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया था और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आज तक मैंने सुने भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल पिविटिंग, मैंने सबके राइटअप्स पढ़ लिए, लिंक्स वगैरह थे ठीक है, लेकिन जो कंक्लूजन निकला जो सब चीज़ों में कॉमन था वो ये था कि सब लोगों ने हैक द बॉक्स किया था। बिकॉज हैक द बॉक्स इज वेरी क्लोज टू OSCP, जिस तरीके से हैक द बॉक्स है उसी सेम पैटर्न पे OSCP है। सो मैंने सोचा कि हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है, तो इस OSCP का सिलेबस वॉज द PWK। तो मैंने फिर जून 2019 की स्टार्ट हुआ, मैंने एनरोल किया OSCP के लिए एंड मुझे वो एक हफ्ते बाद मटेरियल आ गया। और एक चीज़ जो मैंने बहुत सारे OSCP ब्लॉग्स में पढ़ी थी वो ये थी कि लोग कह रहे थे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम एंड 2-3 अटेम्प्ट्स में भी लोगों की क्लियर नहीं हो रही है एग्ज़ाम। सो विच वॉज लाइक ठीक है सही में डिफ़िकल्ट है ये। और लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि जब भी OSCP के लिए एनरोल करो एटलीस्ट टेक 2 months ऑफ लैब ताकि टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए। उन लोगों का कहना ये था कि जो 4-5 साल से इस फील्ड में ऑलरेडी हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, 1 month की लैब उनके लिए सफिशियंट होगी। और उस टाइम पे मैं 3rd year BTech कंप्यूटर साइंस का एक नॉर्मल सा स्टूडेंट ही था, 5 साल का एक्सपीरियंस तो कहाँ ही होगा मेरे पास। आई लव टेकिंग चैलेंजेस। सो मैंने अपने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एम आई रेडी फॉर दिस एग्जाम, क्या मैं 1 महीने में ये कर सकता हूँ, एम आई रेडी फॉर दिस चैलेंज। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई यस गो फॉर इट, तो मैंने एनरोल कर दिया, पापा से बात करी एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन दिस एंड ही इवन मोटिवेट्स मी कि ठीक है करो जो कर रहे हो एंड मन लगा के करो। नाउ कट टू जून 2019, अब मैं एनरोल कर चुका हूँ एंड अब मेरे पास एक हफ्ते बाद OSCP का मटेरियल आ गया, द PWK कोर्स जिसमें PDF और वीडियोज आ चुकी है मेरे पास और मेरा लैब के 30 days स्टार्ट हो चुके हैं। सो फर्स्ट 4-5 दिन में मैंने फटाफट से PDF और वीडियोज निपटाए ढंग से समझ के, बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस कंसेप्ट एक्सप्लॉइट्स सब कुछ। अब चीज़ ये थी कि मेरी 30 days की लैब थी जिसमें से मैं पहले 5 दिन इसके लिए ऑलरेडी यूज़ कर चुका था, अब मेरे पास 25 days बचे हैं और प्रैक्टिस लैब्स अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं करी हैं विच इज़ 45+ labs। सो बेसिकली IP एड्रेस को हैक कैसे करते हैं लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। तो आपके पास जो IP एड्रेस है इट इज़ बेसिकली अ मशीन सिटिंग एट सम रिमोट लोकेशन, हम उसको स्कैन करते हैं बाय टूल्स लाइक nmap, हमको पोर्ट्स पता चलते हैं, सर्विसेज पता चलती हैं एंड इवेंचुअली यू ट्राई टू फाइंड अ वे इन एंड हैक द कंप्लीट सिस्टम। सो मैंने मशीन्स क्रैक करनी स्टार्ट करी एंड मैंने PDF और वीडियोज़ बहुत अच्छे से कर लिए थे एंड टू माई सरप्राइज मुझे वो मशीन इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी, वो मैं करता गया। तो कुछ दिन बाद अब सिर्फ 20 दिन बचे थे एंड मेरे पास एक मशीन आती है जिसका नाम होता है पेन। अब जो भी OSCP के लिए एनरोल कर रहे हैं उनको ये पता है कि ये 5 मशीन सबसे फेमस हैं OSCP लैब्स की जो सबसे ज़्यादा टफ हैं, पेन, सफरिंग, घोस्ट, हम्बल और 5th one इज FC4। तो ये 5 मशीन ऐसी हैं जो सबसे टफ मानी जाती हैं प्रैक्टिस लैब्स की। तो मेरे पास आई पेन सबसे पहले, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या चीज़ है, तो मैंने स्टार्ट किया एंड आई वॉज एबल टू हैक इट बट इट वॉज क्वाइट ट्रिकी एज कम्पेयर टू द अदर मशीन्स जो मैंने अभी तक करी थी। सो ऐसे मैंने काफ़ी मेहनत करी एंड धीरे धीरे टाइम खत्म होने लगा मेरी लैब्स का एंड बस जब एंड हुआ था सो आई हैड कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द लैब्स, सिर्फ 2 या 3 labs रह गई थी विच वॉज ओके। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं 45 labs ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मुझे आइडिया लग चुका है कि किस तरीके का एग्जाम होगा, आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट एट दिस टाइम कि ठीक है अब मैं मे बी OSCP एग्जाम निकाल सकता हूँ। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि अभी मेरे पास 30 दिन थे प्रैक्टिस करने के लिए लैब्स, वहाँ पे मेरे पास सिर्फ 24 घंटे होंगे जिसके अंदर मुझे 5 मशीन्स हैक करनी है। नाउ टाइम इज अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट देयर। एग्जाम कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो एग्जाम आपको घर से ही देना होता है, यू हैव टू शेयर योर लैपटॉप स्क्रीन विद देयर, वहाँ पे एक बंदा होता है विच इज नोन एज प्रॉक्टर जो बेसिकली आपको मॉनिटर कर रहा है, सो ही इज सीइंग यू थ्रू द वेबकैम। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक ये चीज़ होती है कि वो आपको बोलता है जो प्रॉक्टर है वहाँ पे, ही सेज कि अपना एक बार पूरा रूम दिखाओ जहाँ पे आप बैठे हो कि आप कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो हमको पूरा अपना लैपटॉप लेके ऐसे पूरा घुमाना पड़ता है एंड उनको पूरा व्यू देना होता है कमरे का आसपास, देन व्हेन दे से चैट पे वो ओके कहते हैं तो देन वी आर गुड टू गो। सो मेरा जैसे 30 days का लैब पीरियड खत्म हुआ मैंने एक हफ्ते बाद गई
सुबह 10 बजे का अपना एग्जाम शेड्यूल कर लिया। अब डॉट 10 बजे एक हफ्ते बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है बफर ओवरफ्लोज, आई रियली लाइक बफर ओवरफ्लोज, तो इसलिए मैंने पहले एक घंटे के अंदर ही बफर ओवरफ्लोज की मशीन उनकी एग्जाम की निपटा दी। अब सीन ये है कि चार मशीन बची हैं उनकी, एक घंटा हुआ अभी सिर्फ, और मेरे पास 25 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, मतलब आई जस्ट नीड 45 मोर पॉइंट्स टू क्लियर दिस एग्जाम। नाउ आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। धीरे धीरे टाइम निकला, शाम हो गई, रात हो गई, और मेरे पास अभी भी सिर्फ 25 पॉइंट्स थे। मेरे को बाकी मशीन्स का आइडिया लग गया था क्या है, लेकिन 25 पॉइंट्स ही थे मेरे पास, अभी मैं सबको हैक नहीं कर पाया था। उस टाइम पे मेरे दिल में धक 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 ऐसा स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा बॉस अब तो ब्रेक लेनी पड़ेगी। मैं गया, मैंने थोड़ा डिनर किया, डिनर के बाद मैं वापस आया, 10 मिनट का ब्रेक लेके माइंड काम करके मैंने वापस एग्जाम स्टार्ट किया। मैं टाइम की तरफ देखता हूँ और टाइम हो रहा है 10 PM। 12 घंटे निकल गए हैं और मेरे पास अभी भी सिर्फ 25 पॉइंट्स हैं। मुझे मशीन्स का, ऑल दो बाकी मशीन्स का आइडिया लग गया कि किस में क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बट स्टिल बचे हुए 12 घंटे में मुझे बाकी मशीन्स हैक करनी है। मैंने कहा ठीक है अब कुछ करना पड़ेगा। रात हुई, मैंने मशीन्स उड़ानी स्टार्ट करी, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, धीरे धीरे अब सुबह हो गई, 45 मिनट्स बचे हैं एग्जाम ओवर होने में, एंड मेरे पास इस टाइम पे 100 पॉइंट्स हैं। आई हैव हैड ऑल द मशीन्स, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मैंने कहा ठीक है अब मैंने पॉइंट्स ले लिए, अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, और वो एक चीज़ थी स्वैग। 45 मिनट्स बचे एग्जाम में, मैंने वहाँ पे जो प्रॉक्टर बैठा था उसको मैंने कहा कि सर आई हैव कम्प्लीटेड माई एग्ज़ाम, यू कैन क्लोज द कनेक्शन। तो उन्होंने कनेक्शन क्लोज किया और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैंने जाके मम्मा पापा सबको बताया एंड दे वर रियली हैप्पी। पूरी रात सोया नहीं हूँ एंड आई हैव बीन अवेक फॉर मोर देन 24 आवर्स, और अभी मुझको नेक्स्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट भेजनी है। तो मैंने कहा ठीक है अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल एंड देन मैंने रिपोर्ट बनाई और उनको सेंड कर दी। अब इस मोमेंट पे 99% तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने 100 पॉइंट्स सारी मशीन हैक कर ली, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि एग्जाम क्लियर हो ही गया। लेकिन 1% अभी भी वो डाउट था कि यार मैंने कहीं किसी जगह पे गलत फ्लैग तो नहीं डाल दिया, हैक सही किया लेकिन वहाँ पे गलत एंट्री तो नहीं कर दी। बट ठीक है, मैंने कहा वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो रिपोर्ट सबमिट करने के 8 दिन बाद मेरे पास एक मेल आता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से। अब जब आपको पता है कि इस मेल में रिजल्ट है आपका, तो आपकी धड़कन फिर तेज। मैंने कहा चलो खोलते हैं, मेल खोली एंड द फर्स्ट लाइन वॉज Congratulations, you have cleared the OSCP exam. फिर तो क्या, फिर तो बस पार्टी का माहौल था सारा। एंड उस मेल के रफली एक महीने बाद तुम्हारे भाई को मिलता है ये, the certificate of completion. अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ क्या है। So this is a certificate of offensive security जिसपे लिखा है कि OSCP and I have cleared the exam. और इसके साथ एक और चीज मिलती है, which is this license. और इस सर्टिफिकेट की एक खास बात यह है कि इट रिमेन्स विद यू फॉर लाइफ टाइम, मतलब इसका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं है। अगर आप एक बार क्लियर कर लिया देन यू आर ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, कोई एक्सपायरी टाइम नहीं है सर्टिफिकेट का। लेकिन ये तो थी सिर्फ episode 1 की कहानी। episode 2 में माई सिस्टर बिकेम इंडियाज यंगेस्ट गर्ल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, और प्रॉबेबली वर्ल्ड यंगेस्ट गर्ल, बिकॉज वर्ल्ड के मुझे ऐसे कहीं स्टैट्स मिले नहीं कि 18-year-old गर्ल ने किसी ने क्रैक किया एग्जाम। If you know someone then please tell me in the comment section. Lekin definitely she is India's youngest girl to crack this examinations. And वो है episode 2 की कहानी, उसका interview अलग से आएगा आप सबके सामने। So इस पूरी video से हमें OSCP के बारे में पता चला, मेरा experience पता चला, conclusion क्या निकलता है। Conclusion ये है कि OSCP exam is no doubt a difficult exam and not for beginners. सो बिफोर OSCP रीड हैक द बॉक्स राइटअप्स, जो मशीन रिटायर्ड हो गई हैं उनके राइटअप्स पढ़ो एंड जो मशीन्स एक्टिव हैं उनको प्रैक्टिस करो हैक द बॉक्स पे, दिस इज अ मस्ट। एंड अगर आप साथ में बग बाउंटी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बुक है वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, ये बहुत बेसिक से नहीं है बुक लेकिन द कंसेप्ट्स हियर आर रियली वेरी गुड, तो यू कैन रीड दैट। एंड अगर आप इस फील्ड में एकदम ही बिगनर हो विद जीरो नॉलेज कि कहाँ से स्टार्ट करना है साइबर सिक्योरिटी, देन यू कैन परचेज माई बुक
जिसमें मैंने बेसिक लेवल से बताया है, हैकिंग पावर ऑफ फ्यूचर, उसका कंटेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू परचेज इट, मेल मी एट thehirenblocks23@gmail.com. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और हाँ, जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाना, बिकॉज 1.5K का टारगेट है. देखना है कितनी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं, फटाफट से लाइक का टारगेट अचीव करते हैं. एंड और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है फिर आगे. चलो दोस्तों, चलते हैं. See you in the next vlog. Till then, bye-bye, take care.